अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वीडियो में आपको न्यू पोस्ट बनाना सिखाऊंगा। पोस्ट का मतलब और है और ब्लॉग का मतलब और है। ब्लॉग वो होता है जो बिल्कुल नया बनाया जाए, यानी कि बिल्कुल नई चीज़ बनाई जाए, और पोस्ट उसको कहते हैं कि पहले से एक ब्लॉग बना हुआ हो, उसका टाइटल ऐसा हो कि उसके अंदर काफ़ी सारे ना आप पोस्ट कर सकें। यानी कि अगर रिलेशनशिप के मतलब है तो आप रिलेशनशिप की तमाम पोस्ट उसी के अंदर बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रोड्यूस न्यू टैब के तौर पे खोलें, प्रीमियर ब्लॉग एडिटर हो गया। ये देखिए, मैंने एक ब्लॉग बनाया हुआ लव मेकिंग टिप्स फॉर रिलेशनशिप। यह आप देखें, इसके अंदर एक ही कंटेंट्स है, यानी एक ही पोस्ट किया मैंने। अब अगर इसके अंदर और भी पोस्ट करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। ये देखें, याद रखें, अगर न्यू ब्लॉग बनाना है तो ये क्लिक है, और अगर पहले से ब्लॉग एक बना हुआ है उसके अंदर एक पोस्ट बनानी है तो पहले आप न्यू पोस्ट पे क्लिक करें। ये देखें ऊपर, ये ऑल मेकिंग टिप्स फॉर रिलेशनशिप इसी के अंदर आएगी ये पोस्ट न्यू एंट्री। अब पोस्ट न्यू एंट्री और क्या, लव ब्लॉग लव मेकिंग टिप्स फॉर रिलेशनशिप, इस ब्लॉग के अंदर एक न्यू एंट्री हम कर रहे हैं। अब हम कोई रिलेशनशिप को मतलब मैंने सर्च किया हुआ है गूगल से, रिलेशनशिप टिप्स फॉर वुमेन, ये बेहतर यह है कि इसको बीच में करें, दरमियान में करें, ताकि ये खूबसूरत लगे ये। और दूसरा, इसका कलर अगर अच्छा सा रख दें तो वो भी बेस्ट है। ये मैं, मुझे ग्रीन कलर बहुत पसंद है। अच्छा, रिलेशनशिप टिप्स फॉर वुमेन, तो और उसके बाद डॉलर साइन गएंगे, फिर एक इंटर करेंगे। ये दरमियान में आप लिख रहा हूँ, अगर इस पर क्लिक करता ये साइड लेफ्ट साइड पे लिखता, इस पर अगर क्लिक करता तो राइट साइड पे क्लिक लिखता, सारा कुछ राइट साइड पे आता। आप देखें, एक आप और टैब खोल लें, उसके अंदर गूगल से कोई पिक्चर भी साथ लगाएं उसके अंदर रिलेशनशिप के मुतालिक, तो वो बेस्ट होता है वो खूबसूरत लगने के लिए। सॉरी, इमेजेस पे क्लिक करना था, ये पेस्ट। अब इमेजेस पे इसलिए क्लिक किया कि जो भी पिक्चर आएंगी ये रिलेशनशिप के मुतालिक आएंगी। देखें, कर्सर खड़ा, डेस्कटॉप पे सेव कर दें। सेव करने के बाद जब इसके अंदर पिक्चर वो सेव हो गई, लेकिन पहले आपने ये लिखना है, पहले लगा दें पिक्चर, जो भी है जैसे आपकी दिल मांगे। यह है कि चीज़ खूबसूरत रहनी चाहिए। मैंने पहले से सेव की हुई है, इसलिए मैंने पहले देख लिया है कि ताकि जो पिक्चर मैं लगा रहा हूँ पहले देख लूँ, फिर उसको ब्राउज करके इंसर्ट कर दें। ये जनाब पिक्चर आ गई आपकी, और पिक्चर के बाद एक इंटर प्रेस करें, फिर जो लिखा हुआ है ना, तमाम का तमाम ब्लॉग स्टेप बाय स्टेप है, कॉपी करते जाएं। और इसका कलर भी ऊपर से अब रेड कर दें, रेड नहीं है लेकिन कर लेंगे रेड। इसको सेलेक्ट करें, रेड कलर पर क्लिक करें, दरमियान वाले तक, दरमियान में, ये देखें दरमियान में अगर लगाते हैं तो बहुत खूबसूरत सा लगता है। अब ये कलर और कर दूँ, अब
जो बकाया पार्ट रहता है, याद रखें ये जो है ये एड ब्लॉग के अंदर नहीं आता, ये डेटिंग एंड रोमांस वगैरह लिखा हुआ है। अब यूअर शुड, यहाँ से लेकर ये पहले कॉपी कर लें। बेहतर तो यह है कि पहले आप इसको नोट पैड में लिखें, इसको ब्लॉग को कॉपी करके नोट पैड में पेस्ट करें, फिर नोट पैड से दोबारा कॉपी करें, फिर इधर पेस्ट करें, ताकि वो इसके अंदर कोई लिंक भी हो ना, नोट पैड के अंदर जो भी लिंक भी होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब ब्लॉग की सेटिंग आप बखूबी जानते हैं, अगर अच्छी हो तो बेस्ट है, क्योंकि अच्छी होगी तो जो आपके रीडर हैं डेली आपके ब्लॉग पढ़ेंगे, जो भी आप ब्लॉग पोस्ट करेंगे या न्यू एंट्री करेंगे अट्रैक्टिव होते हैं, कि वो रीडर पिक कर लेते हैं कि ये ब्लॉगर जो है बेस्ट ब्लॉग बना रहा है। या यू आर शुड नाट, यू शुड नो नाट, ये इसको कॉपी किया, इसके अंदर पेस्ट कर दिया, यू शुड नाट है, इसका कलर चेंज कर दिया, इसको दरमियान में ले आए, दरमियान में लाने के बाद इसका कलर भी चेंज कर दिया। खूबसूरत है, काफ़ी खूबसूरती है, खूबसूरती सी आ जाती है ना, आप पे डिपेंड करता है कि क्या चीज़ आप खूबसूरत बना दें। खूबसूरत बनाएंगे तो आपका एड ब्लॉग जो है ब्लॉग वो सही सही अर्न करेगा। ये देखें खूबसूरत लग रहा है। अब ऐसे करें, सॉरी, अब ऐसा करें कि अक्सर लोग पूछ रहे होंगे कि लिंकिंग कैसे करते हैं, यानी कि दूसरे लोगों की पोस्ट को लिंक कैसे किया जाता है, या अपनी किसी और पोस्ट को इसके अंदर लिंक कैसे किया जाता है कि उसके ज़रिए भी पैसे मिलते हैं ना। ये देखें, पहले मैं अपनी प्रोफाइल खोलूं, ताकि उस पे मेरा एक कल जो मैंने पोस्ट की है, जो आपको ब्लॉग मैंने बनाया ना सिखाया था, वो ब्लॉग भी बनाया, उसको मैं रीड मोर करके उसकी मैं यूआरएल निकाल लेता हूँ। ये देखें, लव टिप्स फॉर वाइफ, ये देखें, अब ये देखें, अर्न बाई लिंकिंग दिस पोस्ट हो, ये आप इस लिंक को कॉपी करें कंट्रोल सी से, या सिंपल जैसे आप करें, इधर लिखें फॉर लव टिप्स, सॉरी फॉर वाइफ, क्लिक ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना खूबसूरत बनाते हैं ब्लॉग को। पहले तो मुझे भी नहीं आता था, अब काफ़ी सीख चुका हूँ। ये इसको दरमियान में कर देंगे, ये क्लिक हेयर को ब्लू करके, फिर जो जंजीर सा बना हुआ था इंसर्ट एडेड लिंक, ये चार नंबर पे आइकॉन है, इसको क्लिक करें, इधर जो यूआरएल हमने कॉपी किया उधर से उसको इंसर्ट कर दें। ये देखें आपका लिंक अटैच हो गया। अब जो भी इसको पढ़ेगा, फिर पढ़ने के बाद वो देखेगा लव टिप्स फॉर वाइफ, तो अगर उसने लिंक पे क्लिक किया तो लिंक के क्लिक करने के भी आपको पैसे मिलते हैं। इसको इसके अंदर एक वीडियो भी पोस्ट कर दें ताकि खूबसूरती आ जाए इसके अंदर।
हमेशा ऐसे ब्लॉग बनाए, ऐसी पोस्ट बनाए ताकि जो है रीडर आपके ज़्यादा हों। आपको बताता चलूँ कि लव टिप्स फॉर रिलेशनशिप्स, ये इसको सर्च करें। ये जो है डेटिंग एंड रिलेशनशिप एडवाइस, हाउ इट नो, ये जो एडवाइस है इसको आप देखें कि यह सही है। ये देखें, एक बेस्ट वीडियो मैंने तलाश कर लिया है। इस शेयर पे क्लिक करें, इस लिंक को कॉपी करें और अपनी पोस्ट पे दोबारा आ जाएं। फॉर टिप्स इन वीडियो, जो वीडियो टिप्स हैं इन सॉन्ग, याद रखें ये जो थर्ड नंबर पे आइकॉन है ये इंसर्ट एडिट एम्बेडेड मीडिया, ये हमेशा वीडियो के लिए यूज़ होता है। और आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप लिंक पेस्ट करके फिर इसके अंदर ऑटो प्ले को शो करें, शिफ्ट दबा के 7 नंबर प्रेस करेंगे तो एंड लिखिएगा, एंड लिखने के बाद फिर लिखें ऑटो प्ले, AUTOPLAY, और जो बैक स्पेस के साथ एक बटन है बराबर है 1 के, ये जब एंड ऑटो प्ले इक्वल टू 1 ये आप करेंगे तो ये आपकी वीडियो जो है ऑटो प्ले होगी। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो शो ना हो तो इधर डायमेंशन की जगह जो 4:5 लिखा हुआ है, जो 4:5 लिखा हुआ है इसकी जगह भी 3 लिखें, और ज़रब जो 350 लिखा हुआ है इसकी जगह भी 3 लिखें, तो आपकी वीडियो शो नहीं होगी बल्कि सिर्फ म्यूज़िक जो है वो चलेगा, वो भी ऑटो। फिर इसको हम इंसर्ट कर देते हैं क्योंकि हम वीडियो कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं ये। ये देखें वीडियो आ गई आपके सामने, देखें ये। फिर इसके बाद सेव कर दें, इसका टाइटल दें जो हमने टाइटल उधर से लिया है, लव रिलेशनशिप टिप्स फॉर वुमेन। जितने अच्छे आप पोस्ट बनाएंगे उतने आपके रीडर ज़्यादा होंगे। इधर टिप्स लिख रहे हैं, ये देखें, अगर फेमस होगा सर्च टर्म फेमस होगी तो नीचे शो हो जाएगी। इधर रिलेशनशिप लिखें, जितनी फेमस सर्च टर्म होगी उतना स्ट्रांग आपका ब्लॉग होगा। ये देखें मैं ऐसे सर्च टर्म यूज़ करता हूँ, ये देखें लाव। पार्टनर इसी तरह, जैसे भी आप जितने भी आप
अच्छे ब्लॉग क्रिएट करेंगे उतनी आपकी